माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सबकी स्पीचेस सुन के. अच्छा एनवायरनमेंट पहले से ही लग रहा है, सब खुशी लग रहे हैं पहले से. तो अल्लाह करे थोड़ा इजाफा हो इसमें इंशाल्लाह. पहले तो बताएं मेरे पास टाइम कितना है. मेरी तो ये वर्कशॉप 3 घंटे की है. सही है, तो आधा घंटा इंशाल्लाह ठीक है, 4 बजे तक. सही, वही बात है कि जब बोलने पे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम बोल सकते हैं, लेकिन अहम अहम बातें इंशाल्लाह करेंगे. मुख्तसर मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अपना बैचलर्स IBA से किया, BBA मैंने IBA से किया, और उसके साथ साथ मैंने दरस निज़ामी का कोर्स किया, आलम का कोर्स. ये सामने ही आपके एक मदरसा है जामिया अबी बकर, तो जानते होंगे माशाल्लाह, वहाँ से मैंने पढ़ा. फिर उसके बाद एक और मदरसा था, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की. बैकग्राउंड हमारा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है, वीनस कारपेट्स का अगर किसी ने नाम सुना हो तो उस हवाले से. बहरहाल अभी मैं बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरस निज़ामी एंड हो गया और फिर अब बिज़नेस कुछ कर रहे हैं. इसके साथ साथ ड्यूरिंग एजुकेशन हमने एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, बुरूज इंस्टीट्यूट. तो ये बेसिकली लोगों को दीन से और उलमा से मॉडर्न तरीके से या कंटेम्प्रेरी तरीके से जोड़ने का एक सलूशन है. यानी हर बंदे के पास 8 साल नहीं है सुबह के टाइम मदरसा जाए, तो भाई वो एक उसके पास एक ऐसा सलूशन होना चाहिए कि वो उसके पास शाम का टाइम है दीन सीखना है आ जाए, सुबह का टाइम है 2 घंटे हैं, 1 साल है, 6 महीने है, 2 महीने है, 1 हफ्ता है आ जाए, संडे है तो आ जाए. सिर्फ महीने में एक दिन निकाल सकता है, हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं. तो ये एक उस ट्रेनिंग का पार्ट है, यानी इट इज़ वन ऑफ दोज ट्रेनिंग्स. यानी जो हम बहुत सारी ट्रेनिंग अपने इंस्टीट्यूट में कराते हैं उसकी एक ट्रेनिंग ये है, एक वर्कशॉप है ये. तो बेसिकली मुझे हमजा भाई ने कहा था बताने के लिए, और ज़ाहिर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं सब चीज़ें. ज़ाहिर है एक दीनी काम है, फी सबीलिल्लाह काम है, और ज़ाहिर है हमारी कोशिश ये होती है कि दीनी तालीमात को हम जो जदीद मसाइल हैं उनसे उस पर अप्लाई करके उसको बताएं, और ज़ाहिर है उलमा से इसमें रहनुमाई हासिल करते रहें. तो ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, आधा घंटा मेरे पास है. आज का टॉपिक आपके सामने है कि हैप्पीनेस, इंसान दुनिया में खुश कैसे रहे. स्लाइड अगली आ गई, यहाँ पहला पॉइंट है, दुनिया में हर बंदा खुश रहना चाहता है. हाँ, दुनिया में हर बंदा खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या है. तो चले आप लोग बताएं, आप में से कितने लोग वाकईतन खुश हैं. शर्माए नहीं, बता दें भाई, आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना. बस हाँ भाई, कौन वाकईतन खुश है. नहीं खुश कोई मसला नहीं है भाई, मैं भी बहुत से मौक़ों पे खुश नहीं था, इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, कौन नहीं है खुश ये बताएं. चले 1 2 3 देखें. लेकिन क्या ऐसा है कि आप खुश नहीं होना चाहते. होना तो चाहते हैं ना, लेकिन है नहीं. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और यहाँ पे फिर हमारी ये प्रेजेंटेशन आ जाती है कि जो आपको इस दुनिया में कैसे खुश होना है उसका एक सलूशन दे देगी. ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं और कुछ आइडियोलॉजिकल टिप्स हैं. यानी कुछ चीज़ें आपके अकीदे आपकी सोच से ताल्लुक रखती हैं, कुछ चीज़ें आपने प्रैक्टिकली करनी है जिसकी वजह से आप बेहतर हो जाएंगे. सही है, एक मुख्तसर सी वो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग द आइस, एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, यहाँ भी आएगा कि मैं आप लोग को 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से आपने एक चूज़ करना है. ठीक है, देखिए हम दुनिया में, ऑप्शन देने से पहले एक बात बताऊँ आपको, दुनिया में हम हर चीज़ पढ़ते हैं. हैं आप लोग तो माशाल्लाह कंप्यूटर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, अपने से रिलेटेड पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी आप लोगों ने. हैं
तो हम हर चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो चीज़ ज़रूरी होती है ना वो हम नहीं पढ़ते। एक इसके बारे से आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी मल्लाह था, मल्लाह कौन होता है, कश्ती चलाने वाला, तो उसका एक बेटा था। एक दिन वो मल्लाह साहब खुद नहीं गए कश्ती चलाने, बच्चे को भेज दिया। अब बच्चा कश्ती चलाने गया तो मुसाफिर बैठे, और मुसाफिर वो भी माशाल्लाह कोई आलिम फाजिल थे। अब जो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता ना उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्या दूसरों से भी पूछता है पहले, हाँ भाई आप कितने पढ़े लिखे। तो वो आलिम साहब बैठे गाड़ी में, वो कश्ती में, तो उनसे पूछा भाई हाँ भाई तुमने कितना पढ़ा है। जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, दूसरी तीसरी पास की हुई बमुश्किल, उसके बाद तो मैं कश्तियाँ चला रहा हूँ। उन्होंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने तालीम हासिल नहीं की, तुमने तो अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा भाई ठीक है यार, बाकी मैंने अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब ये भी सोच रहे हैं वो भी चल रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो समंदर में जो है ना वो तूफान आना शुरू हो गया, कश्ती जो है ना ऊपर नीचे। अब ये पूछता है मल्ला का बेटा, हाँ जी आलिम साहब स्विमिंग आती है, तैरना आता है। कहते हैं नहीं। कहे आपने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये कह के वो समंदर में कूद गया। यानी भाई उसकी जिंदगी के लिए जो इल्म जरूरी था, जो चीज सीखना जरूरी थी, उसने वो पूरी की। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या चीज़ सीखना जरूरी है। हर चीज़ सीखते हैं लेकिन ज़िंदगी में खुश कैसे रहना भाई, हमें यही नहीं पता क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है। वो सीख लिया हमने हर लैंग्वेज सीख ली, ये PHP और ये पता नहीं कौन सा टूल और फला टूल सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, पैसे भी बन रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन दो तीन लोग खुश नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। कैसे खुश होना है ये बहुत ज़रूरी है सीखना। मतलब मैं आधे घंटे में सारे चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम ये बता सकता हूँ भाई ये ज़रूरी है, मुझसे नहीं किसी और से सीखें। कभी हम ये वर्कशॉप कराएं तो आ जाएं, कोई और कराए उसके पास चले जाएं। भाई लोग आपको पता है अमेरिका में और वेस्ट में हज़ारों लाखों रुपये देते हैं चंद घंटे के सेशन के लिए कि आपने खुश कैसे रहना है। गूगल कीजिए How to achieve happiness, workshop, seminar, online course, dollars में rate आ रहे हैं। हम तो free में करा रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत सारा ताल्लुक दीन से है, यानी इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा तो मैं आप लोग को दो choices देता हूँ, अब ये चॉइस इख्तियार नहीं करनी लेकिन ये दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफ़ी है। पहली चॉइस कि भाई मैं आपको दुनिया की हर चीज़ दे दूं, दुनिया की हर चीज़ दे दूं और आप ना खुश हों, आप ना खुश हों, चॉइस नंबर वन। और चॉइस नंबर टू, मैं आपको दुनिया की चंद एकाद चीज़ दूं और आप खुश हों, बेतहाशा खुश हों, सब चीज़ें ना हो, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो ना हो लेकिन आपके पास खुशी हो, आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? दूसरे को करेंगे ना भाई, यही इस वर्कशॉप का क्रक्स है कि भाई दुनिया की हर चीज आपको मिल सकती है। हाँ कोई है ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो? मजे की बात ये जिसके पास सब आ जाते हैं ना खुशी चली जाती है उसके पास से। ये दुनिया का कानून है, पता नहीं अजीब सा कानून है, हुआ है ऐसा यहाँ पे मैंने। हाँ रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की रियलिटी ये है। दो मिनट को ज़रा गौर कीजिए, आपने पहले भी किया होगा आइंदा कीजिएगा। दुनिया की तीन रियलिटीज़ हैं, कितनी? तीन हकीकतें हैं दुनिया की। एट अ टाइम दुनिया इन तीन चीज़ों से बाहर नहीं होती। नंबर वन कि ये दुनिया की जो मालूमता है, दुनिया की चीज़ें हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता। सही है, आप चाहे मेरे पास गाड़ी है गाड़ी नहीं है, हर बंदा सोच रहा होगा मेरे पास, किसी का बाइक होगी वो सोचेगा गाड़ी नहीं है, किसी के पास छोटी गाड़ी होगी वो सोचेगा बड़ी गाड़ी नहीं है, किसी के पास डिग्गी वाली गाड़ी होगी वो सोचेगा यार मर्सिडीज, और मेरे पास जो है ना वो ऑडी नहीं है, किसी के पास ये होगी वो सोचेगा लैंड क्रूजर नहीं है, ये होगा वो सोचेगा यार मेरे पास पर्सनल फेरी नहीं है, जहाज़ नहीं है, एंड नहीं है इसका।
वो दुबई में एक बंदा है, उसने एक आइलैंड में अपना गैराज बनाया, दुबई के पास एक कहीं आइलैंड पे उसने अपना गैराज बनाया, 350 गाड़ियां उसकी उसके अंदर, और कोई छोटी गाड़ियां नहीं है, ये मैरान कोरे सुख वगैरह नहीं है, ये देख एंड नहीं है इसका। तो मैंने क्या कहा, दुनिया की पहली हकीकत क्या है, दुनिया का माल हर किसी को नहीं मिलता। दूसरी हकीकत यह है कि कभी कभार मिल जाता है तो छिन जाता है, ऐसा है नहीं, हाँ, बल्कि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा, आयत याद है किसी को, हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ वनक्सिम मिनल अमवाल, कि हम जरूर बिल जरूर तुमको आजमाएंगे किस चीज से, भूख से, खौफ से, माल की कमी से, फलों की कमी से, आपके पास रिस्क की कमी हो जाएगी, जॉब लगे लगे लगाए जॉब छोड़ दी, बॉस ना खुश, या आप बॉस से ना खुश, छोड़ दिया आपने, या शिफ्टिंग हो गई, कोई भी मसला हो गया, जॉब छूट गई, कारोबार कर रहे हैं कोई लॉस हो गया, अल्लाह ने कहा ये करूंगा मैं आपके साथ, ये दुनिया की हकीकत है, कहा कि जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाऊंगा इन चीज़ों के साथ, और इसके साथ साथ वल अनफुस, और तुम्हारे जो नफूस हैं वो भी कम हो जाएंगे, यानी तुम्हारे किसी से तुम प्यार मोहब्बत कर दो वो भी तुम्हारी जिंदगी चला जाएगा। तो कट शॉर्ट, दुनिया की दूसरी हकीकत क्या बनी, हाँ, कि इंसान के पास कुछ होता है वो छिन जाता है, और तीसरी हकीकत क्या है, वो बड़ी खतरनाक है, वो मैं भी बताई थी, कि जिसके पास ये सब कुछ आ जाता है ना वो नाखुश हो जाता है। ये दुनिया की चीज इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं देती, अगर देती होती, ये इतने बड़े बड़े लोग, आज गूगल कीजिए, पीपल हु कमिटेड सुसाइड, गिली का चपरासी नहीं मिलेगा आपको उस पर गूगल पे, बड़े बड़े सिंगर्स मिलेंगे आपको, कभी कभार बिजनेसमैन मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे। कर्ट कोबेन का नाम सुना किसी ने, हाँ, एक अमेरिकन सिंगर था, दुनिया उसके पीछे थी, एक दफा अपने ऑफिस से निकला, घर पहुंचने तक उसको कोई 6-8 घंटे लग गए, क्यों, क्योंकि उसके फैन ही इतने पहुंचे हुए थे रस्ते में। इतना बड़ा सिंगर, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा कॉमेडियन था, दुनिया को हंसाता था, उसने भी एंड में क्या करा, लाखों रुपए मिलते थे उसको लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन वो खुद अंदर से नाखुश था, खुद हैप्पीनेस के उसूल नहीं आ पता था उसको, उसने भी सुसाइड किया। तो पता ही चला कि भाई दुनिया की जो जिंदगी है ये इंसान को कभी खुश नहीं कर सकती, दुनिया का माल, दुनिया की चीजें ये इंसान को भी खुश कर नहीं सकता। अगर आप हैप्पीनेस दुनिया के मामलात में ढूंढेंगे आप कभी खुश नहीं हो सकते। अब कैसे खुश हो, आइए, अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपको दे देता हूँ, इस पर सोचिएगा, इसको इन डिटेल बताने का तो शायद टाइम नहीं है। एक होती है क्वालिटी ऑफ लिविंग, सही है, एक होती है क्वालिटी ऑफ लिविंग और एक होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या फर्क है दोनों में, हाँ जी, कभी सोचा इस पे, इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने, चले उसके अलावा वैसे क्या समझ आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हुआ जो मेरे बड़े बुजुर्ग जिस तरह से जिंदगी जीता है उस तरह से जीऊं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लिविंग ये है मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊं जिसमें मैं खुश हूं, क्वालिटी ऑफ लिविंग। इन्होंने एक एक पॉइंट पे बात की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, खूबसूरत बीवी, फर्मा बरदार बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हों, ये अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, घर भी डिफेंस में या किसी और अच्छी हाईफाई जगह में,
ये अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, साल का कोई एक आध फॉरेन टूर, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है? वो ये कि मेरी जिंदगी में मेरे पास सेटिस्फैक्शन हो, मेरी जॉब जैसी भी हो मैं खुश हूँ अपनी जॉब से, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ खूबसूरती मेयार नहीं है, मेरा ताल्लुक मेरी माँ से, मेरे माँ बाप से, मेरी औलाद से, मेरे खुदा से बेहतरीन हो और मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, ये एक क्वालिटी ऑफ लिविंग है। अगर एक इंसान ये ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसकी क्वालिटी कहीं ऊंची है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लिविंग। इन दो चीज़ों में फ़र्क कीजिए, इन दो चीज़ों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी डिपेंड नहीं करती अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन आपकी जिंदगी क्वालिटी भी नहीं हो सकती। अच्छी हेल्थ होना इज अ क्वालिटी लाइफ। चले मुझे एक बात बताएं, एक बंदा मर्सिडीज में जा रहा हो और दिल की बीमारी हो, उसको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये बेहतर है या एक बंदा कोरे में जा रहा हो, मैदान में जा रहा हो और फिजिकली हेल्थ के हिसाब से फिट हो, कौन बेहतर है? हेल्थ इज इंपॉर्टेंट भाई, जान है तो जहां है। क्या फायदा उस मर्सिडीज का? हमारे खानदानों में सारी जिंदगी पैसा कमाया, सेहत दाव पे लगाई, किस लिए पैसा कमाया? ज्यादा खाना है। जब पैसा आ गया तो अब खाने के काबिल नहीं रहे, शुगर ब्लड प्रेशर कुछ खा ही नहीं सकते। ये वो जरदारी के बारे में कोई बता रहा था कि इससे मिलने के लिए यार बड़ा कोई आलीशान खाना होगा, कुछ वो होगा, तो वैसे मैं कुछ ऐसी बातें नहीं करता, एक वैसे ही बता रहा हूँ। कितना पैसा है जरदारी के पास? कहे कि वो उनके पास खाने में बैठे तो माशाल्लाह बड़ा रोगन दस्तरखान, हर तरह का खाना। तो जरदारी क्या खा रहा है? चपाती और भिंडी। क्यों? वो खा ही नहीं सकता ये चीज़ें। क्या फायदा हुआ इन सब पैसे का? तो भाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क है। आगे आइडियोलॉजिकली आपको पता है, हैप्पीनेस, अब तक अंदाजा हो गया होगा, हैप्पीनेस जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फिजिकल। कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा के भी खुश नहीं हो सकता, कोई बंदा ठेले की 25 रुपए की चाट खा के भी खुश हो जाता है कि नहीं? तो ये हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो हैप्पीनेस अगर आपने अचीव करनी है तो सबसे पहले भाई ये क्या है? शुक्र। इस पे अमल करना है। आपको पता है, आप अभी गूगल करेंगे कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस कैसे अचीव करनी है तो बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो उनमें नंबर वन फॉर्मूला हैप्पीनेस अचीव करने का पता क्या देते हैं? बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। जो कुछ तुम्हारे पास है ना उस पर काफ़ी हो जाओ, उसको काफ़ी समझो, उस पर शुक्र अदा करो। हमारा दीन तो ज़माने से ये बात बोल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब मैंने हदीस सुनी तो वाकईतन मेरी लाइफ चेंज हो गई। कहा कि एक जो मोमिन होता है ना, मुसलमान होता है, उसका हर मामला खैर का होता है, हर मामला खैर के साथ होता है, हर मामले में अच्छाई होती है उसके लिए, विन विन सिचुएशन है मोमिन के लिए। कैसे? इज़ा असाबत सर्राउ, जब उसको कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है, फ़कान लहु खैर, उसके लिए खैर हो जाता है। वाइज़ा असाबत ज़र्राउ, जब उसको कोई तकलीफ मिलती है सब्र, वो सब्र करता और उसके लिए खैर बन जाता है। यानी मोमिन के लिए हर मामले में खैर है, मोमिन नहीं हारता कभी। कभी मिल जाए तो शुक्र करके जीत जाता है, कभी खो जाए तो सब्र करके जीत जाता है। आज आप और मैं कितनी बार सोचते हैं यार हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हैं?
ہاں بس فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. آج اگر ہم صرف نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں نا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, تو قرآن کی آیت ہے ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها, اگر آپ اللہ کی نیکیوں کو, نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں, گننا شروع کر دیں, آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ جسم, بھائی انسان سوچ رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس جاب نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, بھائی یہ جسم ہے تمہارے پاس. بہت سو کے پاس یہ بھی نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, یہ دانت نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھائی ہم کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, وہ پیٹ میں جاتے ہیں, چند گھنٹوں میں باہر آ جاتا ہے. بہت سو کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو ہو سکتا ہے ایک حد تک کی بیماری ہو, کھانا ہضم نہیں ہوتا صحیح سے. ہمارے ایک شیخ تھے, انہوں نے مجھے بلایا, آپ لوگ شاید جانتے ہو کوئی, میں نام نہیں لے رہا, اللہ معاف کرے. انہوں نے مجھے کال کی, یار طہٰ بڑی شدید تکلیف ہے, آ جاؤ بیٹا جلدی آ جاؤ. میں شیخ صاحب کیا ہوا؟ یار تم آؤ گے تو بتاؤں گا. پہنچ گئے. اب جب پہنچے تو شیخ صاحب بستر پہ لیٹے, بڑی عمر, سفید داڑھی. کیا ہوا شیخ صاحب؟ میں کہ بیٹا بڑی شدید تکلیف ہے, کل سے لے کے اب تک کا وقت ہو گیا ہے, مجھے پیشاب نہیں آیا. جو ناپاک چیز جو ہمارے جسم سے نکل رہی ہے, وہ بھی نکلنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہتے بیٹا اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, اسپتال لے چلو. ان کو اسپتال لے جایا گیا, پائپ لگایا, تب جا کے وہ اندر سے نکلا. آج ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے, بھائی اگر یہ سوچنے لگے کیا کیا ہے تو واقعتاً زندگی میں خوشی آ جائے گی. ہمارے پاس دماغ ہے, لوگوں کے پاس یہ سوچنے کا بھی نہیں ہے. قرآن میں آیا نا سورہ لقمان میں, کیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, لقمان کو دانائی عطا کی. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, کبھی سرچ کیجئے گا. میں جب ہم جب چھوٹے تھے اپنے بچپن میں دیکھی تھی, اس میں ایک لڑکا بستر پہ لیٹا ہے, پیرالائزڈ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, پیرالائزڈ ہے, وہ صرف سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے. اس سے ایک جرنلسٹ نے آگے پوچھا, اس نے پوچھا کہ یار تمہیں اگر صحیح ہو جاؤ تم, تو تمہاری کیا تین خواہشات ہیں جو تم کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں چلنا پھرنا آ جائے؟ تین ایسی کون سی خواہشات ہیں تمہاری جو تم کرنا چاہتے ہو اگر تم صحیح ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا نمبر ون, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں صحیح ہو جاؤں تو میں جب عید کی نماز پڑھنے جاؤں اور گھر واپس آؤں تو اپنی ماں کو گلے سے لگا لوں. آج کی تاریخ میں میری یہ خواہش ہے. کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھوں تو میری انگلیاں قرآن کی قرأت کے ساتھ حرکت کریں. آج میں یہ نہیں کر سکتا. کہا اور تیسری خواہش کیا ہے؟ کہ میں جب نماز پڑھوں تو میرا یہ سر سجدے میں لگے. آج ہم کتنی نعمتوں میں ہیں ہمیں نہیں پتا. ایک ایک چیز ہماری نعمت ہے, یہ پنکھا, یہ آفس, یہ گھر, یہ جسم, ایک ایک چیز نعمت ہے. شیخ سعدی ایک دفعہ چل رہے تھے, سفر کر رہے تھے, غریب سے تھے, کوئی پیسہ نہیں تھا, تو پیر میں جوتیاں نہیں تھیں. تھوڑا آگے بڑھے, دیکھا تھوڑی بہت تکلیف ہوئی پاؤں میں, کچھ لگا, آسمان کی طرف دیکھا, کہے اللہ تیرا بندہ ننگے پیر جا رہا ہے, اللہ تو نے اپنے بندے کو جوتی بھی نہیں دی,
थोड़ा और आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक बंदा बैठा है, देखते हैं उसके तो पैर ही नहीं है। फिर अल्लाह की तरफ नज़र उठाई, कह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तूने जूती पैर तो दिए, जूती भी आ जाएगी। तो मेरे भाई जो भी मकाम शिकवा होता है ना, जिस जगह पे आपको शिकवा करने का मौका होता है, वही मकाम शुक्र का होता है। जब भी कभी दिन में शिकवा आ जाए यार मैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फला नहीं है, वही शुक्र का मकाम है भाई। आपको ये है कि यार मेरी यहाँ पे इतने हजारों की जॉब है, मुझे लाखों की मिलनी चाहिए, दोस्त को देखो उसकी इतने लाखों की जॉब है, मैं खुश नहीं हूँ। अरे भाई आप ये सोचिए, आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो बेरोजगार होंगे, आप पे एक दो बंदे डिपेंडेंट हैं, उन पे चार पांच बंदे डिपेंडेंट होंगे। आप ये सोचिए, आप ये सोचिए कि आप चल फिर सकते, दौड़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत से नहीं कमा सकते। आपके पास कोई सवारी छोटी है तो भाई सोचिए, है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग बसों के धक्के खा रहे होंगे, बहुत से लोग बसों पर भी नहीं चढ़ सकते होंगे। भाई जिंदगी में अगर खुशी चाहते हैं तो नंबर वन उसूल शुक्र, अपनी ज़िंदगी में शुक्र लाइए, हर मकाम पे शुक्र अदा कीजिए, हर चीज़ पे शुक्र अदा कीजिए। बल्कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूँगा, लेकिन तुम शुक्र अदा करो। अगर आज हमें कोई चीज़ चाहिए तो भाई हम शुक्र अदा करें, वो चीज़ मिल जाएगी। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड, चौथी चीज़, बहरहाल वो बीच में से मैंने बता दी, स्किप भी हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सब की ज़िंदगी में मसाइल हैं, हाँ, किसी की ज़िंदगी में अगर मसाइल इस वक्त नहीं है तो चंद अरसा पहले थे, हो सकता है आ जाए बाद में। तो अगर ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं तो भाई अपना ईमान तकदीर पे रखें, अपना ईमान तकदीर पे रखें, मजबूत रखें कि मेरे सामने या मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है ये अल्लाह ने भेजी है। और जब भी कोई ज़िंदगी में मुश्किल आए तो अल्लाह की ये तीन से चार सिफात को याद रखें, वो क्या कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने मुझे बनाया है और इस मुसीबत को भी बनाया है कि नहीं, और अल्लाह कदीर है, अल्लाह कादिर है कि इस मुश्किल को मुझसे दूर नहीं कर रहा, कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। इसीलिए अल्लाह की तीसरी सिफात, अल्लाह हकीम है, अल्लाह के हर मामले में हिकमत है, हर चीज में बहुत बड़ी हिकमत है, आपको और मुझे नहीं पता। हमारे एक जानने वाले हैं, वो काफ़ी अरसे से कारोबार में घाटा हो रहा था, तो एक दफ़ा फिर किसी प्रॉपर्टी का प्लान किया तो उसमें भी मामला वैसा नहीं निकला, तो किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे थे। अब जब पार्टनरशिप करने निकले तो पता ही चला कि प्रॉपर्टी के पेपर पूरे नहीं है, इस वजह से काम नहीं हो सकता, तो उनके मुंह से निकला यार किस्मत ही ख़राब चल रही है, किस्मत ही ख़राब चल रही है। ठीक है, बज़ाहिर तो यही लगा हमें किस्मत ख़राब नहीं चल रही, प्रॉपर्टी फंस गई। थोड़ा अरसा गुजरा, अब वो पार्टनरशिप तो ज़रा स्टार्ट नहीं हुई। थोड़े अरसे बाद पता चला कि वो जो पार्टनर था ना, वो पार्टनर ही कड़प था, उसके साथ पार्टनरशिप करते तो और बड़ा घाटा हो जाता, जो हाथ में प्रॉपर्टी उससे भी जाता है। तो किस्मत अच्छी थी बुरी थी? अच्छी थी ना, अल्लाह के हर काम में खैर है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, तो पहले ये बात समझिए कि ये मुश्किलात आपके अपने गुनाहों की वजह से आ रही हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, जमीनों ज़मीन में खुशी में और तरी में, समंदर में जितना भी फसाद बरपा हो रहा है ना, ये आपके अपने गुनाहों की वजह से है। तो ये अपने करतूत होते हैं इंसान के, जो इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत बन के आ जाते हैं। एक तो ये, दूसरा
یہ میرے گناہوں کو مٹاتی ہے، جو تکالیف ہیں، جو مسائل ہیں، میرے گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما یصیب المؤمن من وسب ولا ہم ولا غم حتی الشوک یشاکہ الا کفر اللہ بہ خطایاہ او کما قال، کہ انسان کو کوئی غم نہیں پہنچتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کاٹا بھی انسان کو چبھتا ہے نا تو اس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں گناہ تو مل، ہمیں کوئی بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارے ساتھ مشکلات ہیں زندگی میں، تکالیف ہیں، لیکن ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ایک اور وعدہ ہے، یہ چیز سوچ لیں گے زندگی میں خوشی آ جائے گی، خوش ہو جائیں گے۔ کیا؟ کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ تو یہ تو کچھ ٹپس تھیں جو نظریاتی طور پہ تھیں، اور بہت زیادہ ان کا تعلق دینی اعتبار سے بھی تھا۔ کچھ چیزیں پریکٹیکل ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کسی موقع پہ آپ کو بتائیں گے، اور ہو سکے تو آپ یہ میری پریزنٹیشن بھی لے سکتے ہیں، اس پہ بھی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی کافی آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ ورنہ کبھی انشاءاللہ ان قریب ہم ورک شاپ کرائیں گے تو حمزہ بھائی کو بتائیں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو فارورڈ کر دیں گے۔ پھر وہ پوری 3 سے 3.5 گھنٹے کی ڈیٹیل میں ہر چیز بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایونٹ، ہماری ورک شاپ میں آتے ہیں 100, 150, 200 لوگ آ جاتے ہیں، ایک اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے، فیملی ایونٹ ہوتا ہے، فیملیز کو بھی لا سکتے ہیں، گھر والوں کو ساتھ لے آئیں، سنڈے کا ایونٹ ہوتا ہے۔ آخری چیز بس میں بتانا چاہتا ہوں مشکلات کے اعتبار سے جو یہاں لکھی ہوئی، اسمائلنگ لیڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے سوال ہے کہ دنیا کی کون سی پریشانی ان کو نہیں پہنچی؟ ان کی اولاد بی بی فاطمہ کے علاوہ ساری اولادیں اللہ نے لے لی، ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے رو رہے تھے، ہچکچیاں لے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہچکچی لے رہے تھے، اتنا رو رہے تھے صحابہ پریشان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراتے چہرے پہ آج آنسو، کہتے ہیں میں انسان ہوں، غم بھی آتا ہے خوشی بھی آتی۔ وہ کفار مکہ نے ان کو کیا کچھ نہیں کہا، پاگل بھی کہا، جادوگر بھی کہا، اور ان کے اوپر گندگیاں بھی ڈالیں، قتال بھی ہوا، دانت بھی شہید ہوئے، یہ رخسار بھی پھٹی، سر پہ بھی چوٹیں آئیں، محبت کرنے والے چچا بھی دنیا سے گئے، محبت کرنے والی بیوی بھی گئی، دنیا کا ہر جادو بھی ہوا ان پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کے باوجود صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ یہ وہی ہیں جو ایک دن کھاتے تھے اور ایک دن بھوکا رہتے تھے، بائی چوائس ناٹ بائی فورس۔ پوچھا بھائی آپ کے آپ کو ہم دنیا کی ہر خوشی نہ دے دیں، ہر کھانے پینے کے آئٹمس نہ دے دیں آپ کو؟ کہا نہیں، میری تو یہ خواہش ہے اللہ کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ ان کے ساتھ یہ ساری مشکلات ہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیڈر بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، فیملی کے ہیڈ بھی ہیں، پھر بھی صحابی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں، یہ نظریاتی، اگر ہمارا نظریہ صحیح ہو نا تو بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔
बाद में कभी भी हमजा भाई कुछ हो इवेंट आप इनको बता दें इंशाल्लाह, यहाँ ये इन करीब इंशाल्लाह हम वर्कशॉप कराएंगे तो इसमें शिरकत कर सकते हैं इंशाल्लाह पूरी जी। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, इसी तरह फेसबुक का पेज है उस पे जाके देख सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे तो वेबसाइट पे वो सारे कोर्सेज मेंशन है। फिल वक्त हमारा जो कोर्सेज हैं वो मेल फीमेल बोथ के लिए शाम के टाइम 6 से 9 के टाइमिंग्स हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं। इसी तरह फीमेल ओनली क्लास अभी शुरू में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुरान की, मंडे ट्यूसडे 11 से 1 के दरमियान। तजवीद की क्लास अभी शाम में चल रही है ख़वातीन की 4 से 5 के दरमियान। फिर इसके साथ साथ संडे का एक कोर्स चल रहा है हमारा 10:30 से 2:30 बजे तक, हमजा भाई भी उसमें आते हैं, तो वो संडे ओनली कोर्स है, जो पूरा हफ्ता टाइम नहीं निकाल सकते संडे आके। अच्छा फहमे दीन कोर्स है, उसमें कुरान भी पढ़ाते हैं, हदीस भी पढ़ाते हैं, अरबी भी पढ़ाते हैं, और क्या क्या पढ़ाते हैं भाई, फिक पढ़ा, अकीदा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ उसमें। तो उसमें ये है कि जो दीन का बुनियादी इल्म है, जो कहते हैं इल्म सीखना हर किसी पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अभी तक तो ये एक्टिविटीज़ हैं, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हो रही हैं, फिर मज़ीद अरबिक कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो इस तरह काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। वर्कशॉप बुरूज का नहीं, नहीं वो तो बस यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा, हाँ हम उनको भेज दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बारकअल्लाह फी, सुबह। काफ़ी अच्छा रहा, आप कुछ चीज़ें और कुछ वॉलेसेस हैं।